सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन का आइकन आता है उसको दबाना ना भूलें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। ओके गाइस, तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का मॉर्निंग सेट नेक्टर। इसमें SPF भी है तो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिलेगी अगर आप बाहर कहीं जाएंगे तो मैं अच्छी तरह से ये मॉइस्चराइजर अपने फेस पर लगा रही हूँ। एक अच्छे मेकअप लुक का यही राज है कि अपना फेस फुली मॉइस्चराइज रखें बिफोर मेकअप। तो मैं अच्छी तरह से अपने फेस पर लगा रही हूँ इसको, और उसके बाद इसको लगाने के बाद मैं यूज़ करूँगी वाओ एलोवेरा जेल। ये 99% प्योर एलोवेरा जेल है, तो मैं इसको एज ए प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। इसको लगाने के बाद आपके स्किन को एक स्मूथ सरफेस मिलेगा जिससे फाउंडेशन अच्छी तरह से स्किन पर लग जाएगा और एक स्मूथ फिनिश आएगा, तो इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ। आप कुछ और भी लगा सकते हैं प्राइमर के रूप में, मुझे ये लगाना पसंद है तो मैं ये लगा रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन। ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है और इसकी मैं सिर्फ एक बूंद लूँगी और अपने हाथों की सहायता से इसको अपने पूरे फेस पर लगाऊंगी। और इसको लगाते समय इधर उधर फाउंडेशन को रगड़ना नहीं है, अपने हल्के हाथों से उंगलियों का प्रयोग करके सारे फेस पर लगाना है। अपनी आंखों के नीचे अच्छी तरह से फाउंडेशन को ब्लेंड करना है और अपने आंखों के ऊपर, नीचे, लिप्स के अराउंड, नोज़ के अराउंड, और अपनी हेयर लाइन को बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि हेयर लाइन पर फाउंडेशन अच्छी तरह से ब्लेंड ना होगा तो वो फाउंडेशन अलग से ही नज़र आता है, तो इसलिए हेयर लाइन को नहीं भूलना है। और बस सारे फेस पर इवनली फाउंडेशन को स्प्रेड करना है और ब्लेंड करना है। और उसके बाद मेरा कैमरा हो गया था ऑफ, तो अभी मैंने थोड़ा सा कंसीलर लगा लिया है हाइलाइटिंग के लिए। तो आंखों के नीचे अंडर आई एरिया पर और अपनी आईब्रोज़ के अराउंड लगाया है। मुझे यहाँ पर लगाना अच्छा लगता है आईब्रोज़ के अराउंड क्योंकि एक आपकी आईब्रोज़ अच्छी तरह से उभर कर सामने आती है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर कंसीलर लगाना अच्छा लगता है। और नोज़ पर लगाया है, तो अपने चिन पर लगाया है, अपने लिप्स के ऊपर लगाया है, तो जहाँ जहाँ बेसिकली हमें हाइलाइटिंग चाहिए अपने फेस पर वहाँ लगाया है और उंगलियों से ब्लेंड किया है। और आप चीक बोन्स पर भी लगा सकते हो, इसके बाद हम कंटूरिंग करेंगे। तो यहाँ पर लगाने के बाद इसको नीचे की तरफ ब्लेंड करना है, ऊपर की तरफ ब्लेंड नहीं करना है, ठीक है। अभी मेरा बेस मेकअप हो गया और उसके बाद हम चलते हैं आईज पर। तो वहाँ मैं तीन कलर यूज़ कर रही हूँ, एक तो ये वाला, दिस इज़ लाइक ब्राउनिश कलर, और ये चॉकलेट ब्राउन कलर है, और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी दिस शिमरी कलर। तो हम ये तीनों कलर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला कलर है वो मैं क्रीज एरिया पर लगाऊंगी, जहाँ हमारी क्रीज होती है वहाँ। तो इससे पहले मैं अपने आंखों के ऊपर फिर से हल्का हल्का कंसीलर लगा रही हूँ ताकि जो मेरे आई शेडो हैं वो टिके रहे मेरे आईज़ पर। तो अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ कंसीलर को। और उसके बाद मैंने जो पहला कलर दिखाया था वो मैं क्रीज एरिया पर एक ब्लेंडिंग ब्रश से लगा रही हूँ, और अच्छी तरह से ब्लेंड करना इस कलर को। हमारा ये ट्रांजिशन कलर होगा, उसके बाद थोड़ा सा डार्क कलर होता है और उसके बाद शिमरी कलर होता है। तो मैं क्रीज एरिया पर अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, इससे क्या होता है कि हमारी क्रीज एरिया को एक डेफिनेशन मिलती है। कुछ इस तरह के कलर होते हैं ट्रांजिशन कलर, सॉफ्ट ब्राउन कलर, स्किन से थोड़ा मिलता जुलता कलर होता है, तो आप इस तरह के कलर ही मोस्टली ट्राई करें कि यूज़ करें अपने ट्रांजिशन कलर के लिए या क्रीजिंग कलर के लिए। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ जो मैंने सेकंड कलर दिखाया था, इसका जो मेन फोकस होता है वो हमारे जो आईज़ का आउटर कॉर्नर होता है वहाँ लगाना होता है। तो मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ इसको लगाकर। ये पहले वाले कलर से थोड़ा डार्क कलर होना चाहिए।
अब ये लगाने के बाद मैं ये दोनों कलर जो मैंने ऊपर लगाए थे वही मैं अपने वॉटर लाइन के नीचे भी लगा रही हूँ ब्रश से, और अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी दोनों कलर को नीचे। इससे क्या होता है कि हमारी आंखें यू नो बड़ी बड़ी लगती हैं और एक अच्छा लुक आता है आंखों में। अगर हम ये पार्ट छोड़ देंगे तो ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है हमारे आई मेकअप में। तो उसके बाद मैं हाथों से जो थर्ड कलर जो शिमरी कलर था वो हाथों से लगा रही हूँ, अपनी फिंगर टिप की सहायता से हल्के हल्के लगा रही हूँ। हाथों से लगाने का एक क्या होता है कि पिगमेंटेशन अच्छी आती है। हमेशा शिमरी कलर अगर आप फिंगर टिप से ही लगाए तो अच्छा होगा, ब्रश से वो इतना यू नो इंटेंसिटी नहीं आती कलर की। और उसके बाद आईब्रोज के नीचे मैं कोई भी वाइट शिमरी कलर लगा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी यू नो डिफरेंस नज़र आता है बिफोर एंड आफ्टर में अगर हम ये लगाते हैं। उसके बाद बारी आती है आईलाइनर की, तो मैं इसके लिए फेल्टी आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं, तो विंग आईलाइनर इज़ माई फेवरेट, तो मैं हमेशा विंग निकालती हूँ। तो या मेरी एक वीडियो भी है हाउ टू अप्लाई आईलाइनर, आप वो देख सकते हैं। मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि मैं आईलाइनर कैसे लगाती हूँ। आप अगर इंटरेस्टेड है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। तो अभी मैं सिर्फ थोड़ी सी यू नो ब्लैक कर रही हूँ, और उसके बाद वाटर लाइन पर मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का ये ओल्ड डे वियर काजल, कोल काजल पेंसिल, और ये काफ़ी अच्छी पेंसिल है। मेरी आंखें बहुत सेंसिटिव है लेकिन ये मेरी आंखों में बिल्कुल भी जलन नहीं होती इसको लगाकर। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कंटोर के लिए ये मेकअप रेवोल्यूशन का हाईलाइटिंग एंड कंटोर पैलेट। ये काफ़ी पिगमेंटेड है, इसके लिए मैंने हल्का सा कलर लिया है और उसको सिर्फ ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपका आपके पास भी कोई यू नो कंटोरिंग का ऐसा कलर है जो कंटोरिंग या आई शेडो का ऐसा कलर है जो काफ़ी पिगमेंटेड है, ब्रश पर ज़्यादा आ जाता है, तो आप थोड़ा सा स्टिपल कर लें ब्रश को और उसके बाद ही लगाएं। हल्का हल्का अगर आप अपने फेस पर कलर लगाएंगे ब्लेंड करेंगे तो वो अच्छा रिजल्ट आएगा। एकदम से ज़्यादा प्रोडक्ट लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बिल्कुल गंदा लगता है। और उसके बाद नोज़ पर कंटोरिंग कर रही हूँ, और ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कीको मिलानो का ये ब्रश ब्लश। मैं नीचे लिख दूंगी कौन सा शेड है, कौन सा यू नो लाइन है इसकी। और उसके बाद हल्के हल्के ब्रश की सहायता से इसको लगा रही हूँ। और उसके बाद जो मैंने कंटूरिंग एंड हाइलाइटिंग पैलेट लिया था वहाँ से एक हाइलाइटर मैं उंगलियों की सहायता से लगा रही हूँ अपने जहाँ यू नो बेसिकली जो हमारे फेस पर जहाँ लाइट हिट होती है वहाँ वहाँ लगा रही हूँ, लाइक नोज़ के ऊपर अपने चीक बोन्स जो हाईएस्ट पॉइंट है आपका चीक बोन्स का वहाँ, और फोरहेड पर लिप्स के ऊपर। उसके बाद मैं लगा रही हूँ मस्कारा, और इसके बाद मैंने फॉल्सेस भी लगाई थी। फॉल्सेस लगाने के बाद मैंने फिर से मस्कारा लगाया था क्योंकि दोनों को ब्लेंड करने के लिए अपने रियल लैशेज और फॉल्स लैशेज को। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ दिस रेड लिप लाइनर, दिस इज़ फ्रॉम कीको। मैं शेड नीचे लिख दूंगी, आई डोंट रिमेंबर द शेड एक्चुअली। और उसके बाद मैं ये लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ जो कि प्राइमार्क ब्यूटी से है। दिस इज़ काइंड ऑफ पिंकिश न्यूड कलर, काफ़ी अच्छा कलर है, डेली वेयर के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ओके गाइस, सो दिस इज़ द कम्प्लीट लुक। न्यूड कलर, सभी न्यूड कलर हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा मेकअप। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लुक पसंद आया होगा। प्लीज़ लेट मी नो अगर आप इसको रिक्रिएट करते हैं, मुझे कमेंट बार में बताना। और मुझे आपसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जो कि है किंडर ब्यूटी अंडरस्कोर आर, मैं नीचे लिंक दे दूंगी। और या तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू वॉन्ट टू। एंड या तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे हैप्पी।